इन्होंने करो क्या आज भाजपा वाले नहीं बात। अच्छा करो क्या है बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए हैं। 420 सिलेंडर 900 को होएगो, ठीक है। डाई कट्टा 600 को 1200 को होएगो, ठीक है। और डीजल हमारे 52 रुपया को, वो हमारे 100 को होएगो, तो हम क्यों वोट देने। शिक्षा कहाँ है, रोजगार कहाँ है, सबका सबका विकास सबका साथ कहाँ है। हर गांव में को आप भी घूमते हो, हर गांव में कीचड़ मिली होगी। जवाहर हम तुमसे पूछना चाहते हैं, हमसे मत पूछना, बताओ ऐसे। नहीं आपसे पूछना चाहते, आप मीडिया हो, गोदी मीडिया तो हो नहीं आप, मीडिया हो, गोदी मीडिया हो तो। गोदी मीडिया होता क्या है, गोदी मीडिया होता का बिके हुआ था। सुनो मित्र, बिके हुए मीडिया का तो चैनल नहीं दिखा हुआ, गोदी मीडिया हुआ थी पहले जब। हाँ जी, किसान की वो चीज थी, किसान और जवान। आज किसान भी और जवान भी परेशान। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक, आप देख रहे हैं नजर टुडे। हमारी चुनाव यात्रा हसनपुर विधानसभा में है, जहां पर हम लोगों से, आम आदमियों से जानने की कोशिश करेंगे। जब वो 10 तारीख को वोटिंग करने जाएंगे, 14 को है आपके यहाँ, तो 14 तारीख को जब वोटिंग करने जाएंगे, तो मशीन देखते वक्त किसका बटन दबाना पसंद करेंगे, इस सरकार का, योगी जी की सरकार का, या पिछली सरकार अखिलेश जी की सरकार का? किसको, किसके मन में क्या है, कौन किस पार्टी को वोट देने जा रहा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों। मैं नरेंद्र नागर जी, ग्राम प्रधान तरौली। ग्राम प्रधान, ओके। तो सर जब आप वोटिंग करने जाएंगे इस बार 14 तारीख को जी, तो क्या क्या मुद्दे आपकी नजर में रहेंगे और किस पार्टी को आप वोट देने? मुद्दा जाओ भाड़ में, मेरी बात सुनो। इन्होंने करो कहा आज भाजपा वाले नहीं बात। अच्छा करो क्या है बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए हैं। 420 सिलेंडर 900 को होएगो, ठीक है। डाई कट्टा 600 को 1200 को होएगो, ठीक है। और डीजल हमारे 52 रुपया को, वो हमारे 100 को होएगो, तो हम क्यों वोट देने। मतलब महंगाई बढ़ गई है, बढ़ी है। और हमारा खर्चा बताओ, खर्चा हो गया। हाँ। मतलब महंगाई आपके हिसाब से महंगाई बढ़ गई है, उसके अलावा कोई और मुद्दे? और मुद्दे इतनी है कि देखो हमारे तो गाय बकरी है, तुम इन्हें लिकार जाओ, गाय ने लिकार जाओ और बाकी हम खेती कर लेंगे। अच्छा, मतलब जो गाय पशु वगैरह हैं इस क्षेत्र में, वो ऐसे घूम रहा है, खुला घूम रहा है खेतों में, छेड़ जी हमको खेतों वगैरह में घुस जाता है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी। तो प्रशासन जो आपके यहाँ पे होंगे, जो प्रशासन वगैरह है, जो DM वगैरह हैं, जो विधायक हैं, उनसे आप लोगों ने बात करी इसके बारे में? हाँ करी करी, करी। नो हमारे बच्चे ना, तुम ही छोड़ो, तुम ही ले लो। विधायक जी ये कह रहे हैं? हाँ, तुम ही, तुम्हारी खुद ही कर लो। हमारे विधायक तो बताऊँ सुनो, हमारे विधायक सुनो, बुग्गे की रेत पे ले ले, टेम्पो बारे में पैसा ले ले, और जो आग मर्जी चले वह पैसा मिल जाए। हाँ विधायक जी आपके काम नहीं करवाते हैं? अरे भाई पैसा ले ले, उतर रेत पाइप ले ले, यार टेम्पो ले ले, सारी बात करें। अच्छा हाँ, मतलब आप लोगों के घर की बात नहीं करते हैं? है? आप लोग काम की बात नहीं करते हैं? मतलब काम के मतलब ही ना। अच्छा, तो फिर मतलब अब जब वोट देने जाओगे तो क्या, BJP तो आपने साइड कर दी, उसके अलावा किस पार्टी को वोट देंगे? हम तो समाजवादी देंगे। समाजवादी, मुखिया गुर्जर लड़ रहे हैं ना? मुखिया गुर्जर की वजह से ना दे रहे हम, इसके वजह से दे रहे हैं हम तो साइकिल दे रहे हैं जी, साइकिल की वजह से। अखिलेश को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे? अच्छा सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मास्टर गेंद्र जल्लापुर। जल्लापुर, अच्छा, तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं? समाजवादी। समाजवादी, क्या कोई कारण विशेष? कारण विशेष कारण है, शिक्षा कहाँ है, रोजगार कहाँ है, सबका विकास सबका साथ कहाँ है। हर गांव में को आप भी घूमते हो, हर गांव में कीचड़ मिली होगी, कहाँ है? मतलब रोड वगैरह नहीं बने? कुछ नहीं। अच्छा, तो ये सब काम जो आपने बताए, ये सब काम अखिलेश यादव करेंगे आगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये पक्की हो गई है बात, अखिलेश यादव जी करेंगे। तो आप वोट डालोगे तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री? समाजवादी जिंदाबाद। कोई भी विधायक लड़ जाए जी, यस, फूस का पोला भी आ जाओ, समाजवादी से फूस का भी पोला आ जाओ, समाजवादी वोट। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। पहले बिरादरी की बात छोड़िए, ये SC समुदाय से हैं? SC समुदाय से हैं आप? जी सर, जी सर। नाम बता दीजिए सर दर्शकों को। छोटे लाल सिंह नाम सर। छोटे लाल जी, तो छोटे लाल जी जब वोट डालने जाओगे 14 तारीख को, तो क्या क्या चीजें नजर में रहेंगी आपकी, किस किन मुद्दों को देखते हुए वोट डालोगे? बेरोजगारी, और जो गाँव में छोटा पशु घूम रहे हैं उसमें किसानों को बहुत बड़ी हानि हो रही है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि ये वादा खिलाफ ही करती है गवर्नमेंट, ये योगी जी झूठे बात है इनके, ज्यादा जो भी जो ये कह रहे थे, जो इन्होंने बिजली कनेक्शन करे फ्री नाम करके, वो बेचारों से मई केबिल तक का पैसा ले लिया, और जहां बिजली कनेक्शन यानी बिजली का बिल जाता था 12,000 रुपये साल का,
आज दर में जाता है 22,000 रुपये। 22,000 रुपये किसान का जो बिल है, जो बेचारा है, जो छोटा छोटा किसान होता है, सीमित का होता है। भाई साहब सुनो, मोटर साइकिल की रेट बताओ तुम्हें, जब ये बने 60 साल की स्प्लेंडर ही आज कितने की है? 1 लाख की आज। हाँ हाँ बताओ, आप मोटर साइकिल चलोगे? तुम भी हैं, कैसे आए तुम? आप मोटर साइकिल हो, गाड़ी से आए? हम गाड़ी से आए, लेकिन आप एक और बताओ सर, पेट्रोल डीजल की महंगाई का तो आपने बता दिया, इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। आप सब गांव के रहने वाले हैं, किसान परिवार से आते होंगे, बगल में किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ा इस क्षेत्र में? उसका काफ़ी फर्क पड़ा जी। तो गए थे किसान आंदोलन? गए जी। 750 किसान लोग मर गए हैं आंदोलन में, 1 साल किसान का किसी जो है किसी सरकार ने पानी की बौछार है या कील जो है वालों ने कुछ पूछा नहीं, पूछा क्यों मरे, कैसे मरे थी पहले जब। हाँ जी, किसान की वो चीज थी, किसान और जवान, आज किसान भी है जवान भी परेशान। बीजेपी का आपका निकल गया यहाँ से, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी का, देखिए वो पार्टी का जा रहा है उसमें, वोट देने वाले हैं इनको। हम ऐसी समाज से हैं जी, जो बीजेपी को हराएगा वो वहाँ वोट करेंगे कैंडिडेट। कौन हराने वाला है? जहाँ तक उम्मीद है साहब, जो है जो साइकिल का है वो जो उम्मीद है वो हराएगा। समाजवादी का वो यहाँ पर उनका यहाँ पर आज तक सीट नहीं निकल पाई है, जो सीट अभी तक जो है यहाँ पर, एक बार जेपी यादव जी आए थे उन्होंने सीट निकाली थी, या गठबंधन से दानिश अली जी निकल गए। सीटों से मतलब नहीं है, हमें सरकार बदलनी है बस। आइए जी, जी योगी जी को हटाना है बस। यहाँ के लोगों का जो मानना है वो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है, देखना ये होगा कि 14 तारीख को जब वोटिंग होगी तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं किस पार्टी को वोट देते हैं और किस विधायक को जिताकर विधानसभा उत्तर प्रदेश तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही चुनावी नज़र के लिए बने रहे हमारे साथ नज़र टुडे पर। धन्यवाद। हमें जाति एक बार हमें जाति से मतलब नहीं, बिरादरी से मतलब नहीं, हमें परिवर्तन चाहिए। एक बात कहनी चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, एक सवाल जब आ रहा हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं, नहीं आपसे पूछना चाह, आप मीडिया हो, गोदी मीडिया तो हो नहीं, आप मीडिया हो, गोदी मीडिया हो तो गोदी मीडिया होता क्या है सर? गोदी मीडिया होता का बिके हुआ था, सुनो मेरे बिके हुए मीडिया तो चैनल नहीं दिखा हुआ तुम, गोदी मीडिया हुआ। अच्छा, हम ही कहने का आप भी हो कहीं से परिवार से तो हो गए, तुम यार सरकार के रूम लाभ बता दो, या सरकार लाभ बताइए, सरकार के लाभ तो आप बताएंगे ना सर, आप लोगों ने वोटिंग करी, आप लोगों ने वोटिंग करके यहाँ पे जिता दिया। हमने पिछली बार आपने किसको वोट दिया था सर? फूल को, बीजेपी को। आपने किसको दिया था? हैं, मैंने साइकिल दिया। आपने साइकिल दिया, तो आपने फूल को वोट दिया था, तो आप बताओगे ना सर काम? जी जी जी, आपको कुछ देख के लगा था ना? जी जी लगा, डबल इंजन की सरकार है, कुछ क्षेत्र का फायदा करेगी, ऐसी ऐसी हो गई, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलिए गोदिया मीडिया ना, मीडिया हो जी, मीडिया। धन्यवाद, बहुत